वैसे तो एक शरीफ इंसान हूं, आप ही की तरह श्रीमान, मगर अपनी आंख से बहुत परेशान। अपने आप चलती है, लोगों को लगता है चलाई गई, जानबूझकर मिलाई गई। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। हमने उसे देखा और आंख बाई चल गई। लड़की हाय हाय करती क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि जी भूल हो गई। वो बोला, ऐसा भी होता है भूल में? शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में? और इससे पहले कि हकीकत बयान करते, फिर चल गई, प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये परिणाम, कट गया नाम, बामुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने अड़ी, अचानक मुड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी और आंख चली। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौंके, उस लड़की की साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे लोग बाग, पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हांफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि जबान हिलाऊं, चल गई। वो मारे गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी, बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा, मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया हमारा पाजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया भुरता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमको पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकाला रोश। और जब आया हमें होश, तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है? हम कहाँ कहाँ बताते और इससे पहले कि कुछ कह पाते, चल गए। नर्स कुछ नहीं बोली बाय गॉड, मगर डॉक्टर को खल गई। बोला, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में? शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में? उन सबके जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोला, भाग जाए चुपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, ना हुआ तो मरा बनाकर आपको जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंख बूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची तो लाख पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे, बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, जैसी भी है आखिर लड़की है, बड़े घर की है फिर बेटा यहां भी तो कड़की है। हमने कहा, जी अभी क्या जल्दी है? वो बोले, गधे हो, ढाई मन के हो गए मगर बाप के सीने पर लदे हो, वो घर फंस गया तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? और आंख मुई, चल गई। वो समझी कि मचल गई, बोली, लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की मां हूं, लड़की को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं, आंख चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम लेकर पुकारा, झटके से कड़ी हो गई, हमारे पिताजी का पूरा प्लान धो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए, पिताजी बोले, अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकते तो आंख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो, जब भी जाते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तक गुनगाऊं अपनी इस आंख के, कंबक जूते खिलवाएगी लाख दो लाख के, अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अधा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो हमारे आदरणीय बापूजी को बताइए। Thank you.